सरकार ने डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण अभियान का खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो काम सरकार आज तक नहीं कर पाई उसे यूपी की इस लेडी महिला रिवॉल्वर रानी पुलिसकर्मी ने कर दिखाया। योगी जी, आपको इस महिला पुलिसकर्मी में जो एक्टिंग का टैलेंट है उसके लिए पुरस्कृत करना चाहिए। अब कितना सशक्त बनेंगी प्रदेश की महिलाएं। हालांकि सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने महिला कांस्टेबल को लाइन हार्जी कर दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। एक महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा ने कमर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो बनाया था और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ कि हड़कंप मच गया। वर्दी में महिला कांस्टेबल का अंदाज किसी गैंगस्टर की तरह नजर आ रहा था। जिस ऑडियो पर वो एक्टिंग कर रही थी उसमें कहा जा रहा था कि हरियाणा पंजाब तो बेकार में बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताएंगे, यहाँ पर 5 साल के लौंडे भी कट्टा चलाते हैं। प्रियंका मैडम को एक्टिंग का भूत इस कदर सवार था कि उन्हें वर्दी का भी ख्याल नहीं रहा। एसएसपी ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और महिला कांस्टेबल प्रियंका को लाइन हाजिर कर दिया और जांच शुरू कर दी। वीडियो में जिस असलहे को लहराती हुई महिला पुलिसकर्मी दिखाई दे रही है, प्रथम दृष्टिया वह असलहा भी अवैध लगता है, क्योंकि आमतौर पर यूपी पुलिस के कांस्टेबल को इस तरह के असलहे नहीं दिए जाते हैं। बता दें कि महिला कांस्टेबल आगरा के एमएम गेट थाने में तैनात थी। हालांकि अब प्रियंका मिश्रा ने यह वीडियो इंस्टाग्राम से हटा दिया है। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडे ही पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।